और छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं और फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। मैं सभी को पहले नमस्ते करती हूँ। डॉक्टर जैन, कामना, सौरभ, शारदा, शशि, सुषमा और आप सब प्यारे छात्रों, हमारे अलग से जो दो लोग आए हुए हैं, अपर्णा, डॉक्टर अपर्णा धीर और अंकुर झा, ये लोग अलग से सुनने के लिए आए हैं। आजकल क्या है कि आप लोगों के कई नए तरह के कोर्स बन रहे हैं, आपको पता होगा। थोड़े सालों में अभी कुछ दूसरी तरह से कोर्सेज को बनाया जाए, ऐसा यूनिवर्सिटी ने, यूजीसी ने तय किया। तो शायद उसी के अंतर्गत विश्व और वेद, वैदिक साहित्य, ऐसा कोई आपको नया पेपर इंट्रोड्यूस हुआ। क्योंकि मैं इसलिए ये बात कह रही हूँ कि हम लोग जब पढ़ाते थे या पढ़ते थे तब तो खैर अवेस्ता का नाम आता था, लेकिन जब पढ़ाते थे तो ऐसा कुछ खास नहीं आता था, क्योंकि सिर्फ वैदिक देवशास्त्र पढ़ाया जाता था, वो उसी का विस्तार किया जाता था। ये सब जो बातें हैं ये बहुत वैसे ज़रूरी हैं कि आज आपको पता हो। आपको पता है ना, अभी ग्लोबलाइजेशन है, जैसे आज कहते हैं कि सारी दुनिया एक है, सब देश आपस में एक दूसरे से मिलते रहते हैं इत्यादि, तो यही हमें प्राचीन काल में भी दिखाई देता है। अगर बहुत प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में जाएं तब भी दिखाई देता है। ये हैरानी की बात है, लेकिन गर्व की बात भी है। आपने कभी सुना ये भारोपीय शब्द, जिसको इंडो यूरोपियन कहते हैं, इसी तरह से दूसरा इंडो ईरानियन कहते हैं। ये सब शब्दों का प्रयोग 150-200 साल से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पहला इसका जो सबसे पहले जो इसकी बात की गई, उसकी डेट भी आप याद रख सकते हो, वो थी 1786 BC। तब सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एक संस्था बनाई। ये लोग अंग्रेज लोग भारत में आ चुके थे ना, यहाँ पर राज्य शुरू कर रहे थे, तो उन्होंने एक संस्था बनाई एशियाटिक सोसाइटी करके, और उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए संस्कृत साहित्य के को भी पढ़ना शुरू किया। तो उसने ये पाया कि ये जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं, जिनको क्लासिकल लैंग्वेजेस हम लोग आज कह देते हैं, बहुत प्राचीन भाषाएं हैं जिनका साहित्य मिल भी नहीं रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ग्रीक है, लैटिन है, स्लावोनिक है, ओल्ड पर्शियन, नॉट पर्शियन, ओल्ड पर्शियन, संस्कृत, नॉट संस्कृत, ओल्ड संस्कृत, जिसको कि वैदिक संस्कृत कहते हैं। तो इन सब में आपस में बहुत समानताएं हैं। तो ये समानताएं भाषा में कैसे होंगी? भाषा तो बोलने की चीज़ है ना, जब लोग बोलते हैं, अलग अलग लोगों की भाषा है और एक से शब्दावली हो रही है या एक सी बात करते हैं, तो कैसे? तो ज़रूर इसका सिंपल सा आंसर यही है कि वो एक दूसरे को जानते रहे होंगे या एक दूसरे के साथ रहे होंगे। ठीक है, बहुत क्लियर, और कोई उसका आंसर निकलेगा ही नहीं। तो ये करके उन्होंने भारोपीय भाषा परिवार की कल्पना की कि देयर वॉज ए टाइम व्हेन देयर वॉज ए फैमिली नोन एज इंडो यूरोपियन फैमिली लैंग्वेजेस, कि फैमिली की सब लैंग्वेजेस थी, लोग मिलकर रहते थे और इसलिए एक दूसरे की शब्दावली का प्रयोग करते थे। इसी तरह से इंडो ईरानियन शब्द है, जिस पर ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, दो ही देशों का नाम आ रहा है, उन दोनों देशों के लोग आपस में रहते थे मिलकर। और इसमें सबसे बड़ा प्रमाण हुआ अवेस्ता, इंडो ईरानियन में, क्योंकि जो मैं नाम ले रही हूँ आपको भाषाओं के, उनमें से साहित्य सिर्फ संस्कृत का मिल रहा है वेद, और ईरानियन का मिल रहा है अवेस्ता। तो इसलिए अवेस्ता की पढ़ाई करोगे तो वेद समझ में आएगा, वेद को पढ़ोगे तो अवेस्ता समझ में आएगा, ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी ना शुरू। और भाषाओं के लिए अगर ग्रीक और लैटिन समझनी है तो वैदिक संस्कृत को देखो, वैदिक संस्कृति से ग्रीक और लैटिन को के अर्थ अगर नहीं समझ में आते पुरानी भाषा के, तो देखो। तो इस तरह से बात उन्होंने शुरू की। इसके साथ बहुत कई कुछ और बातें भी शुरू हो गई जो मैं यहाँ पर नहीं बताना चाहती, जिनको समझ है उनके लिए सिर्फ संकेत देती हूँ। जैसे आर्य बाहर से आए, अब जब एक जगह रहते होंगे तो वहाँ से उठ के इंडिया आए होंगे ना, जो इंडियन शाखा होगी, जो ईरान गए होंगे वो ईरान की तरफ गए होंगे, तो एक जगह रहते होंगे तो अलग अलग हुए कैसे? तो इस तरह से कई सारी बातें शुरू हो गई। समझ रहे हो सौरभ?
ये सब इसीलिए शुरू हो गई और फिर उनको रिफ्यूट करते 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 कितने समय गुजर रहा है जब से देश आज़ाद हुआ या हड़प्पा की खुदाई हुई। ये हड़प्पा की खुदाई तब तक नहीं हुई थी, हड़प्पा मिला ही नहीं था। हड़प्पा तो मिला है 1920 में, तो उससे पहले तो ये सब बातें कर सकते थे। अब हड़प्पा मिल गया, अब उसको कैसे सिद्ध करें? इस तरह से लपेट में आता गया। क्या क्या सिद्ध किया उन्होंने कि जब वो बाहर से आए तो जो यहाँ रहते थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे यानी हड़प्पा सिंधु घाटी में रहते थे, उनको मारा और नष्ट किया, तो इसीलिए वो नष्ट पड़ी हुई है, सारे टूटे फूटे शहर हैं। तो इस तरह से कहाँ बढ़ाते गए। फिर वेद का क्या हुआ? तो कहते हैं उसके बाद वेद लिखे, उसके बाद वेद लिखे। तो क्या हो गया? हड़प्पा पहले हो गया, वेद बाद में हो गया। जबकि संस्कृत वाले सबको बताया कि वेद पहले है और हड़प्पा का समय तो 3,000-2,500 ईसा पूर्व है, तो नेचुरली वो बाद में होगा। वेद को तो हम 2,500 लाएंगे तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, पूरा संस्कृत साहित्य का मुश्किल हो जाएगा। फिर रामायण कब आएगा, फिर बुद्ध कब आएंगे, तो क्रोनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये इतनी इससे कॉम्प्लिकेशंस हो गई कि 200 साल से कई सारे प्रश्न खड़े होते चले गए। लेकिन अब 70 सालों से या उसके भी थोड़ा बाद से ये शुरू हो गया कहना, और हम सब भी उसमें लगे हुए हैं कि नहीं, आर्य यहीं के निवासी थे तो एक साथ रहते थे, उसका क्या आंसर होगा, क्या होगा? यहाँ से वहाँ गए ये भी तो हो सकता है, जैसे एक दरवाजे से अंदर आए, खैबर का दर्रा या जो भी दर्रा था उससे अंदर आए, इधर हिंदुस्तान आए, तो हिंदुस्तान से भी तो बाहर उधर से निकल के जा सकते हैं। तो वहाँ गए, वहाँ जाके मध्य एशिया में रहे, ईरान की शाखाई वहाँ रही, इस तरह से इकट्ठे होके रहे, तब उनकी भाषाओं में समानताएं उत्पन्न हो गई। और वहाँ एक आपको पता है अभिलेख भी मिलता है जिसका नाम है बोगस को इंस्क्रिप्शन। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ में बहुत अच्छा, बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। वेद आपको पता है, सबको पता है, मुझे मैं जानती हूँ, लेकिन शॉर्ट में जब हम वेद कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? एक आपने पढ़ा होगा वाक्य, मंत्र ब्राह्मणात्मको वेदा, मंत्र और ब्राह्मण मिलकर वेद होता है। और मंत्र का मतलब होता है जो संहिताएं हैं, चार या पांच, यजुर्वेद को दो मानोगे तो पांच, तो इन संहिताओं में मंत्रों का संग्रह है ना, संकलन, संहिता माने कलेक्शन होता है, तो कलेक्शन है, इसलिए इनको संहिताएं कहते हैं। और दूसरे ब्राह्मण जो वाक्य हैं या ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनके अलावा आरण्यक और उपनिषद, ये सब यहाँ पर ब्राह्मण के अंदर रखे गए हैं, अन्यथा आप ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद बोलते हैं। तो इस तरह से चार भाग होते हैं। ये तो हमारा वैदिक साहित्य है जो कि बहुत व्यापक है, एक किताब नहीं है ये सारा वैदिक साहित्य जो है वो हिंदू धर्म का ऑथेंटिक सोर्स है। हिंदू धर्म कहाँ से निकला, बहुत आपसे प्रश्न करेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे कि हिंदू तुम्हारा धर्म, तुम्हारा ग्रंथ कौन सा है, हिंदुओं का हिंदू हो तो तुम्हारा ग्रंथ कौन सा है, तो आप एक नाम नहीं ले पाएंगे। आप बोलेंगे हमारा तो बहुत ग्रंथ, बहुत सारे ग्रंथ हैं, फिर आप बोलेंगे हमारी तो पूरी लाइब्रेरी निकलेगी। और सबके एक एक ग्रंथ होते हैं, जनरली जो दूसरे धर्म हैं उनके एक एक ग्रंथ होते हैं। आप याद कर सकते हैं, ईसाई बाइबल, मुस्लिम कुरान और पर्शियन अवेस्ता, इस तरह से एक एक ग्रंथ होते हैं। और एक एक फाउंडर भी होता है। हमारा कोई पूछेगा फाउंडर कौन है, तो हम बोलेंगे कोई भी नहीं। कोई ऋषि का नाम ले सकते हो, नहीं कोई भी नहीं, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे ऋषि हैं, कलेक्टिव है, और आज तक जो बोल रहे हैं हम उसको उसमें जोड़ते चलते हैं, हिंदू धर्म में कल्चर में जोड़ते चलते हैं। तो ये हमारा सोर्स है, इसलिए मैंने लिखा है सोर्स है, स्रोत है, मूल है, बाकी आगे और चीज़ें जुड़ देंगी। अवेस्ता जो है वो क्या है, वो उनका रिलीजियस टेक्स्ट है, पर्शियंस का एक धार्मिक ग्रंथ है, जो आज के पर्शियंस हैं, पारसी जो धर्म है उसका धर्म ग्रंथ है। और अगर प्राचीन ईरान की बात करें तो उनका भी धर्म ग्रंथ एकमात्र अवेस्ता ही है, उनका अकेला एक ग्रंथ है। लेकिन ये एक ग्रंथ बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, और इसमें 500 BC से लेके 700 AD तक, मतलब इतने वर्षों का, 10 और 12
1200 साल हुए ना, 1200 साल के जितने भी विचार हैं, उपदेश हैं, उनका कलेक्शन किया गया है। इनका जो प्रवर्तक है, धर्म प्रवर्तक, वो है जोरोस्ट्रिस्ट्र, और वो उनको मानते हैं पर्शियंस की, वो 660 BC में हुए थे। और आपको ध्यान होगा 660 के आसपास ही बुद्ध भी हुए थे। जितने भी धर्म पल्लवित हुए हैं भारत दुनिया में 600 के बाद ही हुए हैं। बुद्ध का समय भी यही है ना, 6 शताब्दी ईस्वी पूर्व, तो वही समय इनका 660 पर्शियंस के अनुसार। तो ये इनके धर्म के, थोड़ा सा इनके ग्रंथ के बारे में। जैन द, आपने नाम सुना होगा द जैन द अवेस्ता, मैक्स मुलर ने जो अवेस्ता का ट्रांसलेशन करवाया डॉर्मेस्टर से, उसने उसका उस ग्रंथ का नाम रखा द जैन द अवेस्ता। तो जैन द अवेस्ता क्या नाम है, लोगों का कहना ये यही मूल नाम है, नहीं, लेकिन ये मूल नाम नहीं है। जैन द वॉज ए कमेंट्री, जैन इज ए कमेंट्री, फेमस कमेंट्री ऑन अवेस्ता, तो उसको लोगों ने जोड़कर इसका नाम जैन द अवेस्ता कर दिया, लेकिन वो कमेंट्री का नाम है, मूल नाम अवेस्ता ही है, चाहे वो प्राचीन अवेस्ता हो चाहे वो आधुनिक अवेस्ता हो। दोनों का मीनिंग, वेद और अवेस्ता का, दोनों का मीनिंग ज्ञान है। आपको कॉमन चीज़ें भी जाननी है। ऋग्वेद में आपको अब मैं सिर्फ ऋग्वेद की बात करूँगी क्योंकि एक ग्रंथ है, तो एक ही ग्रंथ को हम यहाँ पर तुलना कर लें। तो हमारे ये ऋग्वेद में 10,552 मंत्र हैं, और उनके अवेस्ता में अभी अगली स्लाइड में आएगा, वो जो ओरिजिनली है वो 1,00,000 श्लोक या ग्रंथ पद्य बताए जाते हैं। हमारे यहाँ ऑथर्स जो हैं वो सीयर्स हैं, ऋषि हैं, अनेक हैं जिन्होंने प्रकट किया है। उनके यहाँ एक आपको नाम बताया मैंने, उन्होंने भी प्रकट किया है, उपदेश दिया है। लैंग्वेज हमारी वेद है, ये ओल्डर फॉर्म ऑफ संस्कृत है, और 10 मंडलों में विभाजित है। सबसे प्राचीन है दुनिया का, हिंदुस्तान का ग्रंथ ये, और ये श्रुति भी कहलाता है, संकलन है, क्योंकि इसलिए इसको संहिता कहते हैं। पहले भी मैंने बताया कलेक्शन है, जिसने जिन ऋषियों ने बोला उन्होंने नहीं लिखा है, बाद में किसी ने सब मंत्रों को इकट्ठा करके उनका एक रूप बनाया और उसका नाम, ग्रंथ का नाम रखा। अवेस्ता शब्द का मीनिंग भी मोटे तौर पर विद्या या ज्ञान ही है, लेकिन ये ओरिजिनली या एटिमोलॉजिकली बना कैसे, तो इसका पता लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक शब्द आपको आगे लिखा दिख रहा है, अवस्ता, बड़ा आ और बड़ा ता है इसमें, अवस्ता। ये ईरानी शब्द है जिसका मतलब होता है नियम या विधान। तो अगर चाहें तो इस शब्द से अवेस्ता बना, ऐसा मान सकते हैं, अवस्ता से अवेस्ता नाम बना, ठीक है। पर्शियन है, ईरानियन है। ऑथर का नाम मैंने बताया आपको, 660 BC में जरोस्त्री, 1,00,000 श्लोक ओरिजिनल ऑथर हैं। अच्छा, ये आपको कहाँ की हम लोग बात कर रहे हैं, किस देश की बात कर रहे हैं, ईरान की। तो ईरान में पर्शियंस रह रहे हैं और उनका ग्रंथ अवेस्ता, यही बात अभी तक आपको बताई गई, और उनका धर्म पर्शियन या पारसी धर्म हिंदी में कहते हैं। 4th शताब्दी ईसा पूर्व में, 4th सेंचुरी ईसा पूर्व में, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व है, ऐसे कुछ 4th में अलेक्जेंडर आया, हिंदुस्तान भी आया था, आपको आपने पढ़ा है, जिसको सिकंदर हम लोग बोलते हैं, और वो यही 4th सेंचुरी थी जब मौर्य वंश चल रहा था, अपनी बहन को यहाँ चंद्रगुप्त से ब्याह कर चला गया था, वापस लौट गया था, तो वो अलेक्जेंडर ईरान भी गया 4th सेंचुरी में। वहाँ पर उसने खोज के उसको नष्ट करा, सारी अवेस्ता हाथ की लिखी है, कोई एक या दो प्रतियाँ होंगी, उनको नष्ट कर दिया। बाद में वो उनके पंडितों ने, जो पुरोहितों ने, फिर से उसको रिकलेक्ट किया और उसका उसको किताब का रूप दिया। अब सारा मैटर तो आया नहीं, वो जो 1,00,000 थे वो तो आए नहीं, अब थोड़े से आए। यही आपने वेद के साथ भी सुना होगा, यही रामायण, यही महाभारत, क्योंकि वो हाथ के लिखे होते हैं, कोई ना कोई नष्ट कर देता है, जो आक्रांता आता है वो नष्ट कर देता है। तो उसको जो रिकलेक्ट करके दूसरा पर अवेस्ता बना, वो मॉडर्न अवेस्ता है, और एक प्राचीन अवेस्ता था जो कि अभी उपलब्ध नहीं है, और वो बहुत बड़ा था। तो इनकी दोनों की लैंग्वेजेस को, एक को ओल्ड अवेस्तन कहते हैं, एक को न्यू अवेस्तन या यंग अवेस्तन कहते हैं। टोटल इसमें 21 बुक्स हैं, उधर 10 मंडल थे, इधर 21 बुक्स हैं।
जिनको नस्क कहते हैं, लेकिन अभी नस्क 21 मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वो मिसिंग हो गए ना, खंडित रूप में मिल रहा है ना ग्रंथ। तो हुआ क्या कि उन्होंने भी रट रट के रखा हुआ था, जैसे हमारे श्रुति को रट के रखा हुआ था तो बचा लिया गया, श्रुति थी ना सुन सुन के याद करके, स्मृति श्रुति स्मृति याद करना और या सुनना। तो ऐसे उन्होंने 19 के करीब उन लोगों को थोड़े थोड़े याद थे, फिर उन्हें ईरान छोड़ना भी पड़ा, वो इधर उधर गए तो उन्होंने फिर से रिकल बोल बोल के करते रहे। सब देशों की सब धर्मों की यही कहानियाँ हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, सब धर्मों में सब देशों में ऐसे होता है कि हाथ की लिखे होते हैं तो नष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने जब उसको दोबारा से लिखना और अनुबंध किया, तब वो टोटल 5 पार्ट में बना, जो लाल में लिखा हुआ है, इन प्रेजेंट अवेस्ता 5 पार्ट्स आर देयर, और उनका विषय क्या है, यज्ञ है या विधान है या विधि विधान है, कौन से आचार करो, कौन से नियमों का पालन करो, कौन से कर्मकांड करने हैं, देवताओं के बारे में भी, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुतियों के बारे में, ये सब बातें इस अवेस्ता का विषय है। इसको अगर आपको देखना है ग्रंथ, शायद पर्शियन में तो मिल जाता होगा, लेकिन अगर आपको समझना है तो इंग्लिश अनुवाद देखना होगा, और वो है सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट, जो सीरीज़ है मैक्स मुलर की। अगर आप लाइब्रेरी जाएंगे ना, पूरा एक दो खानों में जाके मैक्स मुलर की ये सीरीज़ आती है, 40 के 42 के करीब इसके वॉल्यूम्स हैं, सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट। उसमें से 3 खंड जो हैं वो अवेस्ता के अनुवाद हैं, जो डॉर्मेस्टर ने किए करे मैक्स मुलर ने करवाए, तो वो इंग्लिश अनुवाद आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैदिक माइथोलॉजी, अब इसके ऊपर आते हैं कि इसमें क्या है। जब हम माइथोलॉजी कहते हैं, खाली देवशास्त्र नहीं होता उसमें यज्ञ भी होता है, कर्मकांड भी होता है। आपने अगर कीथ की बुक पढ़ी है तो उसका नाम क्या है, रिलीजन एंड फिलोसफी ऑफ वेदास, उसके साथ दोनों जुड़े होते हैं। कर्म क्यों ऐसा है, मुख्य तो देवता है। अब आपने देवता और सूक्त और मंत्र पढ़ रहे हैं ना आप लोग, आपको बताया जाता होगा हर मंत्र का एक देवता होता है। देवता को जानना ज़रूरी होता है, ऐसे बताते हैं ना, जब भी आप कोई मंत्र पढ़ते हैं उसका कौन देवता है ये पता होना चाहिए, कौन ऋषि है, कौन छंद है, और एक चौथा भी है लेकिन वो यूनिवर्सिटी में बताते नहीं हैं, 3 ही बताते हैं, ऋषि छंद और देवता जानकर मंत्र को पढ़ना चाहिए। अगर कोई इसके बिना पढ़ता है या पढ़ाता है तो दोषी होता है। ये मंत्र आपको बृहद देवता के कोटेशन लिखा है, अविदित्वा ऋषि छंदो देवतम योगम एव च यो अध्यापे जपेत्वा पापियान जायते दूसरा, जो बिना जाने पढ़ता या पढ़ाता है वो पाप का भागी होता है। तो देवता को जानना ज़रूरी है। अब अगर MA के लोग हैं इस क्लास में कमरे में, तो आपको पता होगा निरुक्त एक ग्रंथ है, और निरुक्त में दैवत कांड 7 अध्याय है, जिसमें देवताओं को के बारे में विस्तार से यास्क ने लिखा है। उसका पहला जो विवरण है वो यही है कि मंत्र में देवता को पहचाने कैसे। मंत्र तो है, अभी आपने मंत्र पढ़ा था ना, स्वस्ति ना इंद्रो वृद्धश्रवा, आप उसका भी देवता है कोई, तो देवता को पहचाने कैसे, ये प्रश्न निरुक्त में यास्क ने किया। और फिर उसने एक तरीका बताया जो कि बहुत अच्छा तरीका है। वो कहता है उस मंत्र में जो बोल रहा है वो कुछ मांग रहा है ना, कुछ कह रहा है, कुछ मांग रहा है, तो वो जिससे मांग रहा है या वो सोचता है कि ये उसको दे सकता है, अमुक अमुक हमें दे सकता है फल विद्या या धन, और वो उससे मांग रहा है, तो वो उसका देवता है, वही देवता है जिससे वो मांग रहा है, जिसकी वो प्रेयर कर रहा है, याचना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। स्तुति और प्रार्थना के शब्दों के दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, और मंत्र में दोनों होती हैं। प्रार्थना का मतलब मांगना, प्रार्थन, और स्तुति का मतलब गुणगान करना, देवता का गुणगान करते हैं, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु, सब कुछ तुम ही हो, और कभी क्या लास्ट में बोल देते हैं हमें बुद्धि दे दो, धियो यो न प्रचोदयात, सूर्य की प्रशंसा कर दी फिर कह दिया हमें बुद्धि दे दो। तो दो भाग होते हैं ना, एक स्तुति होता है, एक प्रार्थना होता है। तो ये जिससे आप कर रहे हो वही देवता है, ये उसकी तरीका है।
तो ये देवता आप वैदिक देव शास्त्र का विषय मुख्य विषय देवता है। कैसे बने ये देवता, देवताओं की परिकल्पना अवधारणा आई कैसे? अगर बहुत सरल तरह से आपको समझाया जाए, बहुत तरह से व्याख्यान लोगों ने किए हैं उनमें नहीं जाते, बिल्कुल जो सरल सी समझ में आता है वो समझते हैं। जब दुनिया शुरू हुई होगी, सृष्टि शुरू हुई होगी, आपको बोला गया ना, तो शुरू शुरू में वेद बन रहे हैं, लिखे गए हैं या बोले गए हैं, तो प्रकृति जो है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर एट दैट टाइम इन द होल ऑफ द कॉस्मोस। ये दुनिया चल रही है, सूरज आ रहा है, रोज लोग देख रहे हैं। आप सोचो ना, बच्चा भी ऐसे ही होता है जब दुनिया में आता है, नहीं? अभी बड़े हो जाते हैं तो आप सूरज कहाँ देख रहे हो, चंद्रमा कहाँ देख रहे हो, वो रोज़ चंद्रमा देखेगा आसमान में, चंदा मामा करेगा। कोई चिड़िया आएगी खिड़की पे बैठेगी, बोलेगा वो चिड़ी चिड़ी चिड़ी। अभी तो बड़े होके कोई नहीं आप देखते, वो फूल देखेगा, पेड़ देखेगा, हवा को हिलते हुए देखेगा, पानी नदी मछली तालाब में कूदती हुई। बड़े होते जाएंगे आप कहेंगे ये तो रोज़ होता रहता है। तो वो शुरू शुरू में जो सृष्टि प्रारंभ हुई, ऋषि लोग थे या जो भी लोग थे, आर्यजन थे, उन्होंने देखा कितने नियम से सूरज चंद्रमा पृथ्वी हवा वायु पानी जितने प्रकृति की शक्तियाँ हैं, जितने कार्य हैं, जितनी गतिविधियाँ हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो दे वर फैसिनेटेड फ्रॉम दैट, दे वर वंडरिंग, जिसको कहते हैं ना स्तब्ध हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। और फिर आश्चर्य में पड़ने के बाद कौन सा भाव आएगा, ये हमें दे दे, एक तो ये है, ये हमें दे दे, रोज आए सूरज, ऐसा ना हो कि कल ना आए, आज चला गया कल ना आया तो अंधेरा रहेगा ना, तो उसकी स्तुति करेंगे, आज भी आना आज भी आना। आपने उषा का पढ़ा होगा, उससे उषा को कहते हैं ना रोज नियम से आना। अभी अब तुम बोलोगे रोज नियम से आना, तुम्हें पता है ये तो आ ही रही है सैकड़ों सालों से आ रही है, इसको कहने की जरूरत नहीं, लेकिन वो उसको बोलते हैं तुम रोज नियम से आना। तो एक तो ये उसकी बात को तारीफ करेंगे, और दूसरा डरेंगे कि कहीं ऐसा ना हो ये ना आया तो बिल्कुल अंधेरा ही हो जाएगा, फिर तो रात ही रात रहेगी, दिन होगा नहीं। तो भय से और श्रद्धा से स्तुति होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, जीवन भर आपको इसको देख सकते हैं। किसी के प्रति भी श्रद्धा होगी या आप भय होगा तो आप स्तुति करेंगे। रावण के दरबार में रावण की भी तो स्तुति करते थे लोग, तो क्या वो स्तुतनीय था? नहीं, वो तो डर के मारे करते थे। और राम की स्तुति भी करते हैं तो वो दूसरे भाव में करते हैं। तो इस तरह से देवताओं का उद्गम होता है, पर्सोनिफिकेशन बाद में करा जाता है कि अब देवता को मान लिया, सूर्य एक देवता है, अब धीरे धीरे देवता है तो दिव्य होगा, हमसे अलग होगा, रथ पे बैठ कर आएगा, चमकीले जेवर पहनेगा, हथियार रखेगा, खाना ये वाला खाएगा, हम ये वाला खाते हैं वो ये वाला खाएगा। तो लेकिन जो खास बात होगी वो ये होगी कि हम धरती पे हैं, हम आते और जाते हैं, वो सिर्फ अमर रहते हैं, वो चमकते रहते हैं, वो दे सकते हैं। तो इस तरह से देवताओं की परिकल्पना होती है। कितने देवता हैं इस पर भी बहुत बात हो सकती है, लेकिन ये समझ लो कि कोई नंबर फिक्स नहीं है, तरह तरह से वर्णन किया गया, हज़ार से लेकर एक तक, कभी 33, कभी 3000, कभी 333, कुछ भी वर्णन किया गया। लेकिन फाइनली निरुक्त में आपको जाना चाहिए, क्योंकि वो वेदांग है। निरुक्त कहता है कि तीसरा है देवता, देवता तो तीन ही होते हैं, क्योंकि पूरे कॉस्मॉस को, पूरे ब्रह्मांड को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। तो पृथ्वी जो है वो ये है जिस पर हम खड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है जिसमें, जो हमारे नीचे खींच कर हमको रखती है, हर चीज़ को खींच कर रखती है, वो पृथ्वी है। अंतरिक्ष में भी गुरुत्वाकर्षण है, ऐसी बात नहीं है, जहाँ तक है गुरुत्वाकर्षण वहाँ तक अंतरिक्ष है। आपका हवाई जहाज जहाँ तक उड़ता है या पक्षी उड़ते हैं, अगर उसके बाहर निकल जाते हैं गुरुत्वाकर्षण के बाहर, तो आपको पता है आउटर स्पेस कहलाता है, और उसमें वो जाके आपके जो स्पुटनिक फेंकते हैं, चंद्रयान इत्यादि इत्यादि, वो उसके ऊपर निकल जाते हैं, फिर वो वापस नहीं आते, ठीक है? तो ये जहाँ तक वो चीज़ है गुरुत्वाकर्षण, या हवा है सांस लेने का, ऑक्सीजन है, आपको बोलते हैं ना पहाड़ों पे बहुत ऊँचे नहीं जाना, एवरेस्ट की चोटी पर ऑक्सीजन ख़त्म होने लगता है,
तो उसको अंतरिक्ष कहते हैं. अंतरिक्ष का इंग्लिश अनुवाद ही होता है एरियल स्पेस, जहाँ पर एयर है, एयर हवा है, और उसके ऊपर आकाश है. आकाश का मतलब जो चमकता है, तो ओनली ब्राइट्स हैं, जहाँ पर रोशनी है, ज्योतियाँ हैं, और आपके जितने ये सूर्य चंद्र सितारे नक्षत्र, उनको सबको ज्योति कहते हैं. इसीलिए उनका अध्ययन करने वाले ग्रंथ को ज्योतिष कहते हैं. तो ये तीन भाग उन्होंने पहले किए. देखो, कोई ऐसे आपको कहीं भी मिल रहा है कि पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है? यहाँ पर कोई हिंदुस्तान की धरती की बात नहीं हो रही है. वेदों में पूरे ब्रह्मांड की बात हो रही है ऊपर तक. फिर तीन भागों में बांटा, तीनों की जो शक्तियाँ हैं उनको डिवाइड किया. पृथ्वी की ये शक्तियाँ हैं, उनका लीडर अग्नि. मध्यम स्थान की ये शक्तियाँ, उनका लीडर वायु. अभी मैंने बोला ना, वायु वहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. और आकाश सबसे ऊपर, उसका लीडर कौन है? सूर्य. क्योंकि जितने भी ल्यूमिनस हैं, वो जितने भी चमक रहे हैं ज्योतियाँ, चंद्रमा और तारे और नक्षत्र ग्रह, सब में सूरज की ही रोशनी है. साइंस भी कहती है और आपको भी पता होना चाहिए. तो वो सब का जो मुख्य देव है वो सूर्य है. न तस्य सूर्यो भाति, न चंद्र तारकम, न इमा विद्युता, कुतो अयम अग्नि. आपने उपनिषद में देख पढ़ा हुआ है ये मंत्र. सब जितने भी चमकदार रोशनी देने वाले पदार्थ होते हैं, सब सूरज से ही रोशनी लेते हैं. यहाँ तक कि अग्नि भी सूरज से बन सकती है. तो ये देवताओं के बारे में था. और फिर फाइनली आपको बताया जाता है कि सब देवता भी, तीन देवता सारों को मर्ज करो तीन बनाओ, फिर तीन को मर्ज करो एक बनाओ. एक ही देव है, और हमारे यहाँ एक देववाद है, एक ही भगवान है, एक ही भगवान है, एक ही परम शक्ति है, ये सब उसके अंग है. तो सर, ये जो लिखा हुआ है एकम सद्विप्राह बहुधा वदंती, तो इस तरह से डिफरेंट तरह से व्याख्या. क्लासिफिकेशन मैंने अभी आपको कर दिया है. तीन स्पेस, ये जो रीजन्स हैं उनके अलग अलग देवता हैं. ये नाम कुछ लिखे हुए हैं. आप पढ़ते हैं ना जब कोई भी देवता, तो आपको पहली लाइन में यही लिखना चाहिए, ये उस स्थान का देवता है. इंद्र की जब आप लिखना शुरू करो, बोलो ये मध्यम स्थानीय देवता है, ये अंतरिक्ष स्थानीय देवता है, ये द्विस्थानीय. पहले तो स्थानीय उनका ध्यान कर लो, तो उनसे उनकी करेक्टरिस्टिक्स ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएंगी, क्योंकि वो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं. जितना एक एरिया के जितने देवता होते हैं, उनकी कॉमन गुण होते हैं, समान गुण होते हैं. डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स और वैदिक डीटीज अलग से भी हैं. उनकी गुण अलग से, उनके क्या गुण हैं ये ज़्यादा मैं सोचती हूँ अवेस्ता पर जाना चाहिए, इसलिए इसको शॉर्ट करते हैं. पॉलीथिज्म और आपको मोनोथिज्म, ये सब नाम मैक्स मुलर ने लिए हैं, ये सुने होंगे. पहले वो कहता है बहुदेववाद है वेदों में, और फिर कहता है बहुदेववाद भी एक देववाद में बदल जाता है. और आपको ये शब्द पता होने चाहिए, इसलिए मैंने बताया. और एक उसने रखा है पैंथिज्म, तत्त्व प्रधान देववाद. जैसे जिस देवता की स्तुति करते हैं ऋषि या मंत्र में, उसी को बोलेंगे सबसे बड़ा, यही सबसे बड़ा है, अब यही हमें सब कुछ दे सकता है. तो उस समय उनके लिए वही सबसे बड़ा. ये तो हमारे हिंदू धर्म की में है ही, सभी जानते हैं इस बात को. राम की पूजा कर रहे हैं तो राम सबसे बड़े, हनुमान की कर रहे हैं तो हनुमान सब, शिव जी की कर रहे हैं तो शिव जी सबसे बड़े. जो जिसका इष्ट देव है उसके लिए सबसे बड़ा है. और फिर वो इतना बड़ा है कि वही ईश्वर है. तो ईश्वर तो एक ही है ना, परमात्मा तो एक ही है. तो इस तरह से बहुदेववाद भी एक देववाद में बदल जाता है. ये मैक्स मुलर ने भी स्वीकार किया. और ये अगर सिंपल शब्दों में समझना है तो समझ में आ जाता है, समझना चाहिए. और यही हमारे पूरे वैदिक संस्कृति की, वैदिक कल्चर की, भारतीय संस्कृति की खास बात है कि विविधता में एकता है. जितनी भी विविधताएं होंगी उनमें एकता है. तो जो सिंथेसिस है, जिसको समन्वय कहते हैं, साम्यता कहते हैं, एकता कहते हैं, वो आपको इसकी खास बात है कि चाहे कितने भी देवता बना लो, लेकिन वो एक ही के रूप हैं, अलग अलग रूप हैं, क्योंकि अलग अलग क्रियाएँ या गुणों को दिखाने के लिए देवताओं की परिकल्पना की गई है. क्लियर है? अब जो अवेस्टन माइथोलॉजी है उसमें क्या हो रहा है? उसमें मैंने आपको बताया था देवता हैं, देवता हैं उसमें, और यज्ञ इत्यादि की परिकल्पना भी है और देवता भी हैं. तो ये तो दोनों की समानता हो गई.
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जितने देवता हमारे यहाँ हैं उतने ही वहाँ पर हों, अलग अलग भी हो सकते हैं, मगर उनमें क्या एकता है, सबसे बड़ा पॉइंट है बिलीव इन वन गॉड, एक ही परम देवता है, एक ही परम शक्ति है, जैसे हमने अपने वेद में देखा वैसे ही उनकी प्रधान है। और वो एक जो ग्रेट गॉड है वो कौन है, उसका नाम है अहुरमज़द, अहुरमज़द। अब ये जो अहुरमज़द है, मज़दा भी कह सकते हैं, तो इसको ज़्यादातर लोगों ने वेद के वरुण से मिलाया है और एक दो लोगों ने इंद्र से मिलाया है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा देव ऋग्वेद का इंद्र है और मिल रहा है उसकी, उसके गुण और उसकी विशेषताएं मिल रही हैं वरुण से, तो इसलिए बहुत लोगों ने वरुण से मिलाया है। लेकिन वरुण प्रधान देव नहीं है, प्रधान देव इंद्र है, इसलिए एक और एक दो विद्वानों ने इसको इंद्र से मिलाया है। जैसे हिंदुइज्म में अनेक देव हैं या वेदों में अनेक देव हैं, वैसे वहाँ पर भी अनेक देव हैं। जैसे यहाँ पर देवों के नाम हैं वैसे वहाँ देवों के नाम हैं, कई देवों के नाम सिमिलर हैं। जैसे यहाँ पर देवता और यज्ञ से जुड़े हुए कई शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे वहाँ पर भी जो शब्दों का प्रयोग होता है वो दोनों की समानता है, जो हम आगे देखेंगे। ठीक है, ये समझ आ गया आपको मिलान कहाँ पर होने वाला है। ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट का जो मूल है, पूरा जो देवशास्त्र का निचोड़ है, वो यही कि एक देव है, बहु में भी एक देव है, वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, देवता अलग अलग होंगे दोनों में, वो कोई बात नहीं। फिर बहुत से नाम समान हैं और बहुत से शब्द भी समान हैं, तो इस तरह से समानताएं हैं। डिफरेंसेस कहाँ पर हो रहे हैं, डिफरेंसेस और समानताएं, ज़्यादातर जो डिफरेंस है वो लास्ट में लिखा हुआ है, साउंड ऑफ लेटर्स। लेकिन जो समानता है, जैसे हमने वेद को जैसे मंत्रों में लिखा है, पद्य में लिखा है, वैसे वो भी पद्य में है। जो यहाँ का सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है, वाक्य विन्यास है, वही उसका भी वाक्य विन्यास है। जो छंदों का प्रयोग है वहाँ भी छंदों का प्रयोग है, काव्य शैली है वहाँ भी काव्य शैली है। तो इस तरह से जो बाहरी कलेवर है उसकी समानता भी दोनों में देखी जाती है, लेकिन जो विविधता है या विरोध है वो साउंड में है। जैसे अहुरमज़दा भी मैंने नाम लिया, ऐसे संस्कृत में कोई शब्द बनेगा क्या, नहीं बनेगा। हा और जा वाला कोई शब्द ऐसा नहीं बनेगा। तो ये उनकी उनके साउंड है, मतलब उनका जो गले से आवाज़ें निकल रही हैं उनमें, वो दूसरी तरह की हैं, हमारी दूसरी तरह की होती हैं। ये वाला बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आपको हिंदी में लिख के मैं लाई हूँ, क्यूटेशन किसी को नोट भी करना हो तो कर सकता है। दोनों में जो देवशास्त्र है उसकी समानताएं नहीं है, समानताएं और मैंने बोली ना, काव्य शैली में, छंद में, इसमें शब्द वाक्य विन्यास में, उनके जो शब्दावली है उसमें समानताएं हैं, लेकिन जो देवशास्त्र है, जो देवताओं का स्वरूप है, उनमें उतनी अधिक समानताएं नहीं है। तो इसका कारण क्या है, दो कारण है। पहला, कालगत अंतर। वेद जो है वो तो हमारा 3-4-5 हज़ार ईसा पूर्व लिखे गए थे, बोले गए थे या रचे गए थे मंत्र, और ये आपको समय क्या बताया मैंने, ओल्ड अवेस्ता का भी समय तो तभी होगा ना जब जरस्थु का जन्म होगा। तो जरस्थु तो 7वीं शताब्दी में हुए, 660 में, तो 660 से पहले तो जा नहीं सकता। उन्होंने फिर ये धर्म स्थापित किया देवता की परिकल्पना की, तो वेद से इस तक अगर वो साथ भी रहे होंगे सारे लोग एक जमाने में इकट्ठा, तो अब तक तो वो काफ़ी कुछ भूल गए होंगे कि भारतीय लोगों का क्या विचार होता था, तो उसका थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा, काफ़ी भूल जाएगा। तो कालगत अंतर जो है, दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट है धार्मिक सुधार, जरस्थु के धार्मिक सुधार, वो धार्मिक सुधार भी करने लगा, तो इसलिए भी उसने बहुत सी चीज़ों को मॉडरेट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। वैदिक देवशास्त्र के लिए आपकी जो आइडियल बुक है वो वैदिक माइथोलॉजी है मैकडोनल की, और उसमें ये लिखा हुआ है, देवशास्त्र के क्षेत्र में यह समानता उतनी नहीं रह पाती। इसका कारण है कि जरस्थु ने धार्मिक क्षेत्र में जो सुधार किए थे उनके कारण देवशास्त्री विचारों में से बहुत से तो नष्ट हो गए और कुछ में परिवर्तन आ गया,
यदि आज हमारे सामने अवेस्तन साहित्य का पुराना रूप आ जाए, वो जो ओल्डर फॉर्म ऑफ द अवेस्ता है, अगर वो आ जाए तब वेद के रूप से उसकी चाहे साम्यता ज़्यादा निकल आएगी। अभी तो न्यू अवेस्तन से हम तुलना करते हैं ना, तो इसलिए वो उतनी समानता नहीं निकल पाती। एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरियन हुए हैं डॉक्टर भगवान सिंह, हुए नहीं हैं अभी भी हैं वो भगवान, उनकी बुक का नाम है हड़प्पा सभ्यता और वैदिक साहित्य। हमने इनका लेक्चर भी कराया था, बहुत बड़े बहुत प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने भी अवेस्ता से तुलना की ऋग्वेद की और कहा कि जो अंतर वस्तु है उसमें समानता है। अंतर वस्तु मतलब इनर कॉन्टेंट, जो टोटल कॉन्टेंट है, जो विषय वस्तु है उसमें दोनों की समानता है, लेकिन ये समानता भी प्राचीन मंडलों में नहीं है, नए मंडल में, मतलब दशम मंडल में, जो बाद का ऋग्वेद का मंडल माना जाता है दसवां, उसी में ज़्यादा समानताएं हैं। तो आपको पता है दशम मंडल में ज़्यादा दार्शनिक सूक्त हैं, इसलिए देवता कम हो जाता है। तो देवताओं में नहीं है और चीज़ों में है, यही कहने का उनका अभिप्राय है। ग्रीस वर्ल्ड की एक बुक है रिलीजन इन द ऑफ द ऋग्वेदा, उसमें वो कहता है दोनों ग्रंथ एक दूसरे की बड़ी ब्यूटीफुल कमेंट्री हैं। अगर आपको अवेस्ता को पढ़ना है तो ऋग्वेद को देखो, ऋग्वेद को समझना है तो अवेस्ता को देखो, तो ये दे आर द ब्यूटीफुल कमेंट्रीज ऑफ ईच अदर। शब्दों की और नामों की समानता, अब आपको मैंने पहले ही बोला था शब्द और नामों की समानता। जो हम यज्ञ कहते हैं वो यश्न कहते हैं, हम होता कहते हैं वो जह, जहोतर कहते हैं, अथर्वन कहते हैं वो आथ, बड़ा आ करना है उसको आथर्वन कहते हैं, अथर्वन नहीं आथर्वन कहते हैं। जो रित शब्द हमारे यूज होता है वो उनका है अथर। अग्नि को आतर कहते हैं, और देखो आतर से आपको कुछ ध्यान आ रहा है, अगर ये ता को टा कर दोगे तो ऑटर बन जाएगा, ऑटर, और वो यज्ञ वेदी को कहते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए तो सारी लैटिन का अंग्रेजी का प्राचीन रूप है, तो वो आपस में शब्दावली मिल रही है ना। मित्र देवता जो कि सौर देवता है उसको उधर मित्र कहते हैं, भग देवता भी सौर देवता है उसको बग कहते हैं, अर्यमन भी सौर देवता है उसको अर्यमन कहते हैं। सोम जो है बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है, आपको जरूर याद रखना है, इसको हाओम कहते हैं, सोम को हाओम कहते हैं, मतलब उच्चारण में फ़र्क हो रहा है ना, साउंड में आपको बताया मैंने फ़र्क है, बोलने में उन लोगों के फ़र्क है। ज़्यादातर क्या फ़र्क आपको दिखा, एक साउंड जो कि उनको मुश्किल हो रही है वो कौन सी साउंड है, सबको समझ में आ जाना चाहिए था, कौन सी है, सा को हा कह रहे हैं वो सा। अच्छा वो जो आपको मैंने पीछे बताया था अहुर मजदा, उसका संस्कृत क्या है, असुर प्रधान, तो असुर अहुर, वहाँ पर सा का हा हो रहा है ना, असुर से अहुर हो रहा है, वही यहाँ सोम का हओम हो रहा है। तो ये जो पर्शियन लैंग्वेज है इसमें सा को हा कहते हैं, इसीलिए जब वो हिंदुस्तान नाम जो हिंदू और हिंदू नाम हमारे किसी दर्श ग्रंथ में नहीं पढ़ा हुआ है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, वेदों में तो है ही नहीं पक्का, मुझे पता है पुराणों में भी इतना कहीं खास नहीं है, तो हिंदू नाम आया कहाँ से, बहुत क्वेश्चन लोग करते हैं ना, या सिंधु हिंदुस्तान, हिंदू का स्थान, हिंदुस्तान तो ठीक है मगर हिंदू कैसे आया, सिंधु से आया, और सिंधु को हिंदू किसने बोला, ईरानियों ने, जो सा को हा बोलते हैं, तो इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदू बोला, और हिंदू जहाँ रहते हैं उनका जो स्थान है, स्थान को स्थान बोला तो वो हिंदुस्तान हो गया। तो आपका हिंदूकरण जो है, हिंदू नामकरण वो है, वो भी इसी तरह से हुआ है। अच्छा और जो दूसरी समानताएं हैं, ये तो नामों की, आपको दो तरह के नाम मैंने इसमें गिना दिए हैं, बहुत से यज्ञ से जुड़े हुए थे जैसे अथर्वन इत्यादि, बहुत से देवताओं के नाम थे, लेकिन और कॉन्सेप्ट वाइज कौन सी समानताएं,
पहला पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट, अग्नि पूजा। दोनों ग्रंथों में अग्नि पूजा का बहुत महत्व, शुरू ही अग्नि से होता है। उधर भी उनका ग्रंथ अग्नि से शुरू होता है, हमारा अग्नि मीढ़े पुरोहितम से शुरू होता है, वो भी अग्नि पूजा से शुरू होते हैं। और वैसे यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में सारे धर्मों में अग्नि पूजा का महत्व है। सही है, मस्जिद के अंदर क्या जलता है? दिया विया कुछ होता है ना। चर्च में क्या होता है? कैंडल, वहाँ भी अग्नि है। हमारे क्या होता है? दिया होता है वहाँ भी, या यज्ञ होता है, यहाँ भी अग्नि होती है। तो अग्नि पूजा जो है वो सभी जगह समान है। इसी तरह से सूर्य पूजा भी सभी जगह समान है। सूर्य जो है वो बिल्कुल साक्षात दिखता है, देवता है, जिस जो सबको पता है कि वो है ही देवता, क्योंकि वो हमें कितनी चीज़ें देता है। तो इसलिए सभी धर्मों में सूर्य की पूजा होती है, सभी धर्मों में अग्नि की पूजा होती है। दूसरी जो आपको सिमिलरिटी है वो शब्द, जैसे वृत्त रहा देवता का विशेषण है, किस देवता का? वृत्रहन, इंद्र का विशेषण है। जो इंद्र ने वृत्र को मारा उनको वृत्रहन कहते हैं। और उधर उसके लिए रखा है वरेथ्रगन, इंद्र का उन्होंने वहाँ रखा है वरेथ्रगन, वो भी वृत्र को मारने के लिए। आपरी सूक्त है, सूक्त में उसके बिल्कुल पैरलर उनके यहाँ नाम है अफ्रिंगन। पूरी एक मेरी किताब है आपरी सूक्तों पर, ऋग्वेद की आपरी सूक्त, तो उसमें अफ्रिंगन स्तुतियाँ जो हैं वो भी वैसी हैं जैसे ऋग्वेद की आपरी स्तुतियाँ हैं, कर्मकांड परक देवता हैं उसमें। अच्छा, सोम की सिमिलरिटी, वो हवोम कहते हैं हमारे, आपको सोम के बारे में बताया जाता होगा, ये लता है पहाड़ों पर उगती है, ठंडे प्रदेश में उगती है, इसका पत्ते तोड़े जाते हैं, फिर उनको पीसा जाता है, पीस के उसका रस बनता है, उसको छन्ने में छानते हैं, छान कर घड़े में रखते हैं, कभी दूध मिलाते हैं, कभी उसमें दही मिलाते हैं और पीते हैं, दध्यासुर और गव्यासीर बनाकर, या फिर देवताओं को अर्पित करते हैं। और ये अमृत है, ये औषधि है, ये औषधियों का राजा है। ये सब आप सोम का तो पूरा एक मंडल है। कौन सा मंडल? ऋग्वेद का मंडल कौन सा है जो सोम का है? नवम मंडल, जिसका नाम पवमान मंडल, सोम मंडल। तो उसमें ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो सोम जो है उनका फेवरेट जूस है, आर्यों का फेवरेट जूस है, जिसे वो देवताओं को भी अर्पित करते हैं और खुद भी पीते हैं। पहले उनको अर्पित करते हैं, फिर बाद में सब लोग पीते हैं, और उसका उससे बहुत आनंदित होते हैं। वो मादक रस है, मतलब उनको मस्ती लाता है, उनको उनको जैसे आपको कोका कोला से लगता होगा या शराबी को शराब से लगता होगा, मेरे को तो किसी से नहीं लगता, तो वो ऐसा उनके लिए वो जूस है। तो ये सेम सारी बातें हवोम के लिए अवेस्ता में भी हैं। आप कह सकते हैं सोम रस पीसना और उसको बनाना, उसके उपयोग की समानता। अहुर मजदा और वरुण की मैंने आपको पहले ही बताई, असुर महान, अब तो आपको पता लग ही गया उसका नाम है असुर महान। असुर जो है वो असुर नहीं है, कोई समझ रहा होगा, राक्षस, ये बाद में असुर राक्षस हो गया है ना संस्कृत में, सुर का अपोजिट असुर है, नेगेटिव वहाँ लगा हुआ है, तो असुर हो गया राक्षस। लेकिन वेदों में असुर का क्या अर्थ है? बिल्कुल डिफरेंट अर्थ है यहाँ पर। क्या नहीं वो करो व्याख्या, व्युत्पत्ति करो, असु प्लस रा, यहाँ पर तोड़ेंगे असु प्लस रा। असु माने प्राण, रा माने युक्त, असु र प्राणवान है जो, मतलब सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है जिसमें, उसको असुर कहेंगे, यानी कि देवता कहेंगे। यहाँ पर असुर माने राक्षस नहीं है, वेद में औरों को भी असुर कहा गया है। ये सुर वुर यहाँ पर नहीं है, सुर जो है ना शब्द, ये बाद में हुआ, सुर माने देवता, यहाँ पर नहीं है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो वैदिक संस्कृत में हैं, बाद में नहीं है। और कौन सा शब्द है? आपने रितम रितम पढ़ा है ना, रितम वेदों में तो कितना सारा है, रितम रितम सब कुछ रितम होता है, रितम रितव से ही होता है, देवता रित की रक्षा करते हैं, रित के लिए सब कुछ होता है और दुनिया रित से चलती है। बाद में तो सब संस्कृत साहित्य में तो रित शब्द होता नहीं, रिते है वहाँ पे, तो है ना एक प्रपोजिशन, तो रित का वहाँ सत्य हो गया है। तो इस तरह से कुछ शब्द बदल जाते हैं,
लेकिन ये सिद्ध करते हैं, ये आपको जो सिमिलरिटीज़ मैंने दिखाई, ये चीज़ों धारणाओं की, एक उसमें इम्पॉर्टेंट है अग्नि पूजा, दूसरा है सोमरस बनाना, तीसरा कुछ गुण या कर्म हैं जो देवताओं के कॉमन है, जैसे वृत्र को इंद्र मारते हैं, उधर वृत्र इंद्र को वृत्र मारते हैं, इंद्र का कुछ उन्होंने नाम और रखा होगा, तो इस तरह से देवता कुछ देवताओं के नाम और गुण मिलते हुए हैं। लेकिन जो ज़्यादा मिल रहे हैं वो आपको ये बड़ी वाली चीज़ें मिल रही हैं, ये तो उनके जीवन शैली है ना, कैसे वो पूजा करते हैं, कैसे वो करते हैं अग्नि की पूजा या सोम का प्रयोग इत्यादि, तो ये इस तरह की ये सारी समानताएं हैं, तो ये सब सिद्ध करती हैं कि ज़रूर किसी एक समय दोनों संस्कृतियां एक साथ रही होंगी, और इसीलिए उनको इंडो ईरानियन, उस समय को इंडो ईरानियन कहते हैं, और उधर उन्होंने जाके अवेस्ता लिखा, इधर आके वेद लिखा, इसलिए दोनों में एक कॉमन बातें, एक सी बातें कई सारी इकट्ठा हो गई। अगर हमें वेद को समझना है तो कभी कभी अवेस्ता को देख लेना चाहिए, उन्हें अवेस्ता को समझना है तो नहीं समझ आ रहा तो वेद को देख लेना चाहिए, तो ये कंपैरेटिव, इसको माइथोलॉजी कहते हैं, तुलनात्मक देवशास्त्र के आधार पर अपने देवशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, ये एक नया आजकल का सोच है जिसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए ये सब कोर्स आपको लाए गए हैं। इसके बाद धन्यवाद। नहीं, उनको प्रश्न कर लेना तो, हाँ दे दो। किसकी बहन? हाँ वो आप सही कह रहे हो, सेल्यूकस की बेटी थी वो, उसका सेनापति था वो, मतलब उस ग्रुप का, उस ग्रुप की लड़की इधर आई, ये मेरा कहने का मतलब था, वो बहुत रिलेशन, उस समय मैं रिलेशन पर ज़्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया, आपकी बात सही है, ठीक है। सेल्यूकस की बेटी से चंद्रगुप्त का विवाह करा के वो लौट गया, उसकी मेरे ख्याल से तो शादी नहीं हुई होगी, क्योंकि वो लौटते में तो मर भी गया था रास्ते में, ऐसा कहते हैं, इतिहास का बहुत सही नहीं पता लेकिन ऐसा कहते हैं। और जैसा ही कहा, ऐसा बहुत जगह पे वर्णित है कि आर्य बाहर से आए, और अभी जैसे एक बात चली है कि नहीं, आर्यों का मूल यही था, तो आर्यों का मूल यहाँ था, कैसे सिद्ध किया जा सकता है? मैंने शुरू में इसीलिए बताया ना, ये सब चल रहे हैं आजकल विषय, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली क्या है कि इसकी बेस भी थोड़ी समझनी चाहिए, मैं भी अब इसी यही वाली बात कहने लगी हूँ, बोलने लगी हूँ सब जगह कि आर्यों का मूल देश भारतवर्ष है। देखो, एक सबसे बड़ा तुम्हें सबूत पूछा है ना, सबसे बड़ा सबूत ये है कि मैं अपनी सबको बताती फिरती हूँ कि मैं 40 साल पहले लखनऊ से दिल्ली आई थी, मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की हूँ, है ना, जो मेरे साथ बैठेगा 4-5 घंटे, थोड़ी देर में उसको पता लग जाएगा। तो उन्होंने अगर बाहर से आके यहाँ पर वेद लिखे तो कहीं तो लिखते कि वो बाहर से आए, कहीं तो बाहर की कोई बात करते, कि बिल्कुल चुप्पी मार के बैठे रहेंगे, अपनी कुछ और देवी देवता शुरू कर देंगे और कोई बात ही नहीं करेंगे, मतलब उन्होंने कहीं भी कोई संकेत नहीं दिया। उसके बाद आपको पता है रामायण हुई, फिर महाभारत हुए, फिर पुराण हुए, ढेरों हमारे लोग होते चले गए, किसी को पता नहीं लगा। फिर संस्कृत साहित्य का इतिहास पूरा चलते चले जाओ, फिर जब ये अंग्रेज़ आए, इन्होंने संस्कृत पढ़नी शुरू की, तब इन्हीं को पता लगा। तो सबूत तो पहला ये है कि साइकोलॉजिकल है, कि जो आदमी जो नेटिव प्लेस होता है उसको कभी भूलता नहीं है,
तो नेटिव प्लेस की चर्चा होनी चाहिए थी, वो उन्होंने कहीं पर भी, क्योंकि मैं वेद पढ़ा हुआ इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कहीं पर कुछ भी कोई भी दूत का भी कोई संकेत नहीं है। और बाकी तो हिस्टोरिकल आपको मैं बताया शुरू में, मैंने कई सारे प्रमाण हैं जिनसे ये सिद्ध अब कर रहे हैं लोग, वो समय वाला मैंने बताया ना, हड़प्पा इतिहास की किताब आप उठाओगे तो हड़प्पा पहला चैप्टर होगा, वेद दूसरा होगा, और हम संस्कृत साहित्य की किताब उठाओगे तो वैदिक काल पहले होगा, हड़प्पा बाद में होगा। मेरी तो लड़ाई म्यूजियम में हो जाती है, जब आप म्यूजियम जाएंगे ना राष्ट्रीय संग्रहालय, पहले आपको हड़प्पा गैलरी मिलेगी, तो हड़प्पा से हमारा देश का इतिहास शुरू हो रहा है क्या? और वो तो नष्ट भ्रष्ट हो गया, वो नष्ट हुआ ना। अब ये इन्होंने थ्योरी फ्रेम की, मैंने बताया ना फ्रेम की, कि वो बाहर से आए थे उन्होंने नष्ट किया, अच्छा अच्छा वही तो आए थे। और वो एक थ्योरी आपने और सुनी होगी कि वो आर्यों के पास जो बाहर से आए थे उनके पास घोड़े थे, क्योंकि दर्रों से आ रहे थे ना उधर अफगानिस्तान की तरफ, पहाड़ों के अंदर से रास्ते हैं अभी भी वहीं से आते हैं, जो हमारे जितने भी गौरी और तैमूर और जितने भी लोग आए बार बार जिन्होंने आक्रमण किया, वो उन्हीं दर्रों से ही तो आते हैं, समुद्र से तो आते नहीं, पहाड़ से ऊपर हिमालय चढ़ के तो आते नहीं, अफगानिस्तान की इधर से किनारे से आते हैं। तो वो बाहर से आए क्योंकि उनके पास घोड़े थे, इसलिए उन्होंने यहाँ के मूल हड़प्पा के जो लोग थे उनका नाम रखा द्रविड़, उन द्रविड़ लोगों को हराया, उनके घरों को तोड़ा और फिर ये सारा एरिया कब्जा कर लिया, उनकी गायें छीन ली और यहाँ रहना शुरू कर दिया सिंधु घाटी के एरिया में, सिंधु घाटी के एरिया में, इसलिए वहाँ सरस्वती को वर्णन भी हो रहा है। सरस्वती की पहेली भी तो है इसके साथ में, जो मैंने नाम नहीं लिया कि तीन चार पहेलियाँ हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला काल जो आपको मैंने बताया ना, ये पहले की वो पहले, दूसरा बाहर से आए कि यहीं के थे, और तीसरा सरस्वती। ऋग्वेद जो पढ़ते हैं उनको सरस्वती का इतना बढ़िया वर्णन उसमें नदी का हो रहा है कि मतलब आप हैरान रह जाएंगे। एक मंत्र में कहा जा रहा है हिमालय से निकलती है और समुद्र में मिलती है, क्लियर है बिल्कुल कि कच्छ की खाई में गिर जाती है ना, वहाँ से हिमालय से निकल के समुद्र तक जाती है, और आज तो वो सरस्वती नदी नहीं है, तो अब वो सरस्वती कहाँ चली गई? क्योंकि वो ऋषि जो हमारे आर्य थे वो तो सरस्वती को जानते थे, उसके किनारे रहते थे, वहाँ यज्ञशालाएँ बनाते थे, खेती करते थे, तो वो कहाँ चली गई? तो ये तीन क्वेश्चंस हैं जो कि आपस में जुड़े भी हुए हैं। अब सरस्वती की खोज भी हो रही है, आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए कि 5-6 साल से हरियाणा गवर्नमेंट ने सरस्वती बोर्ड बनाया हुआ है जो सरस्वती की खोज कर रहे हैं, और उन्होंने आदि बद्री से लेकर पोहवा तक 40 किलोमीटर दूर तक नदी बना भी दी है, लिंक बीच बीच में ज़मीन में वो धंस गई थी, सैटेलाइट से दिखती है, तो उसको खोद खोद कर उसको नदी बना दिया। अब आगे के वो कच्छ की खाड़ी तक जाना चाहिए ना, बीच बीच में मिसिंग लिंक है। आपको अपने देश के इतिहास में दिखता है ना इलाहाबाद में सरस्वती, ऐसी और 2-3 जगह पर भी सरस्वती बोलते हैं, तो अब बीच में कहाँ गुम हो जाती है फिर आ जाती है, ऐसे कैसे चल रहा है? तो ये सारी चीज़ें बहुत हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल लिटरेरी सारे एविडेंस जुड़ेंगे जाके, तब ये सारे इतिहास के प्रश्न सॉल्व होंगे। हम तो लिटरेरी सिर्फ दे सकते हैं, तो अब जब कभी बात होती तो मैं अपने लिटरेरी देती हूँ, ये एविडेंस देती हूँ कि जब वो वर्णन ही नहीं कर रहे, कभी वो कही नहीं रहे, तो तुम काहे को कह रहे हो कि वो बाहर से आए? वो तो खुद नहीं बता रहे कि वो कहाँ से आए, नहीं बता। जैसे ये बाहर से आया हुआ है, बिहार से आया हुआ है, इसके साथ एक दिन रहो तो मैं ये ज़रूर बिहार का नाम लेगा, हो नहीं सकता कि ना ले, क्यों सौरभ? वो पीछे अंकुर बैठा है, वो भी तो ऐसे कैसे वो किताब में इतने बड़े बड़े मंत्र लिखे चले जा रहे हैं और अपना आता पता ही नहीं बता रहे, ठीक है। ये मेरा इंटरनल एविडेंस है, बाकी मैंने आपको बताया हिस्टोरिकल जियोग्राफिकल और एस्ट्रोलॉजिकल भी चल रहे हैं, वो जो ज्योतिष के होते हैं ना वो तत्व भी चल रहे हैं, शतपथ में ये लिखा है, इस समय ये हुआ था, ऐसी बहुत चीज़ें इकट्ठी करके अभी बहुत रिसर्च चल रहे हैं। जैसे जब कृष्ण जी दुनिया से गए थे ना
तो बहुत तरह के वो हो रहे थे, हवा तेज आ रही है, आंधी चल रही है, बहुत दुनिया में कुछ हो रहा था। और जब महाभारत वॉर होनी थी तब भी ऐसे ही होना था। तो इस तरह की चीज़ों को कि कब हुई पीछे, ये तो निकाल सकते हैं ना आप, तो मौसम विभाग कितना अच्छा कंप्यूटर मास्टर कंप्यूटर लाया हुआ है, तो वो निकाल निकाल के उस तरह की डेट निकाली जा रही है कि अच्छा कृष्ण जी जब गए होंगे तो ये वाला ये सन रहा होगा, महाभारत वॉर हुई होगी तो ये सन रहा होगा, तो उल्टे उल्टे चलेंगे तो लास्ट में ऋग्वेद तक पहुँच जाएंगे ना। तो महाभारत की डेट तो लगभग लोगों ने तय कर ली है, 30 अक्टूबर कोई बताता है युद्ध हुआ था, है ना पढ़ना। हमने एक लेक्चर करवाया था, वो कनाडा से आए थे, उन्होंने सारा डेटिंग करी कि महाभारत की वॉर कब हुई थी, तो उन्होंने 30 अक्टूबर की तारीख निकाली थी, सन भी कुछ निकाला था वो मुझे याद नहीं है। और देखो सही है, अक्टूबर आपका वो मौसम के हिसाब से लड़ाइयाँ होती थी ना, शरद ऋतु का मौसम होता है ना उस समय। और किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, उत्तरायण का वेट किया था, तो ज्योतिष भी इसमें बहुत प्ले कर रहा है। ज्योतिष का अध्ययन, ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी होता है, एक एस्ट्रोलॉजी होता है, तो ये एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी, हाँ एस्ट्रोनॉमी जो है वो हाथ वो एक भविष्य के लिए होता है। एक नक्षत्रों के अध्ययन है, एक काल का अध्ययन है, हाँ ज्योतिष, हाँ बिल्कुल। कहाँ पर आए? किसने बनाया ये थ्योरी? कहीं लिखा हुआ है? नहीं, कोर्स में है क्या? कुछ खास नहीं है, अगर है तो जड़ और चेतन तो सबको पता ही है, जड़ और चेतन, जड़ चेतनात्मको जगत, जड़ और चेतन मिलकर जगत बनते हैं। तो या तो फिर वो यही कहना चाहते होंगे कि जड़ में क्या आता है चेतन में क्या आता है, तो चेतन में तो आत्मा आती है और जड़ में सारी दुनिया की सब चीज़ें आती हैं, जड़ चेतनात्मको ही जगत है ना, द्वंद्वात्मक है ना। ये वैसे द्वंद्व वाली बात जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने अगर नासदी या कुछ पढ़ा पहले, सबसे पहले देखो एक मिनट, जैसे एक है ना, एक का बहुत महत्व है, एक से अनेक होता है तो उसको क्या कहते हैं, सृष्टि हो रही है, तो एक से अनेक एकदम से अनेक नहीं हो जाता, एक से दो होता है। आपका पुरुष सूक्त में यही आया है, नासदी सूक्त में यही आया है, एक से दो होता है, फिर दो से तीन चार पाँच होते चलते हैं, और जब मर्ज होता है सारा इकट्ठा होने लगता है वापस, तो उसको प्रलय कहते हैं। आपको तो शब्दों को ध्यान में से देखो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा प्रलय का क्या मतलब है, लीन होना, नष्ट नहीं हो रहा है, दुनिया नष्ट नहीं हो रही है, प्रलय लय हो रही है, वापस सारा फिर एक में जा रहा है, इसी का नाम है संहार। कहते हैं ना शिव जी संहार करते हैं, संहार है वो, सम्यक हरि रीते, सब सम्यक रूप से इकट्ठा करके, जैसे आपके दाने कई सारे बिखर जाएं तो आप हाथ से ऐसे इकट्ठे करके ऐसे कर दोगे ना, मुट्ठी में ले आओगे, तो वापस सारे प्राणी दुनिया में जितने फैले हुए हैं, जड़ हो चाहे चेतन हो जितने भी, सबको वापस लाके फिर ब्रह्म में लीन हो गए, तो ये हो गई प्रलय, लय हो गए ना लय। और फिर जो उत्पन्न होता है उसका नाम क्या है, सृष्टि, सृजन होता है, सृज धातु से बन रहा है, तो फिर से उसी में से अनेक दो चार अनेक होने लगे, तो ना तो सृष्टि हो रही है देखा जाए, ना तो एक से अनेक होना और अनेक से एक होना, तो आपका जड़ और चेतन जो है ना इस अर्थ में कहीं कुछ होगा, तो मतलब दोनों में आत्मा आत्म है, आत्म तत्व है, वैसे द्वंद्व है, द्वंद्वात्मक जगत है ना, दो दो चीज़ें हैं। ये एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए, अभी तो आप छोटे क्लासेस में हो,
जब भी ये हमारे कोई वेद में, जब हम कहते हैं ना वेद में सारे शास्त्र हैं, वेद में सारे आजकल अलग अलग पढ़ाई हो रही है ना, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, वो फिजिक्स, वो हिस्ट्री, वो पॉलिटिकल साइंस, वेद में ऐसे हो रहा है क्या? वेद में तो ऐसे नहीं हो रहा। फिर हम कहते हैं वेद में समग्र सारा शास्त्र है, सारी नॉलेज है, तो किस रूप में है? ये सच है कि सारी नॉलेज है? 14 साल तक ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहते थे ना, 14 साल, अगर 9 साल में गए हैं तो 25-24 साल में रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ बाहर आए पढ़ाई करके, तो 14 साल के लिए पढ़ने के लिए लिटरेचर भी तो चाहिए, तो वो सारा वैदिक वाङ्मय ही तो पढ़ रहे हैं। रामचंद्र और उनके भाई क्या पढ़ते होंगे बताओ? वो तो रामायण के करेक्टर हैं ना। हमारा संस्कृत साहित्य का प्रथम ग्रंथ रामायण है, तो रामायण से पहले तो कोई ग्रंथ ही नहीं है, तो 14 साल वो क्या कर रहे हैं भाई, क्या पढ़ रहे हैं? तो आपको कहना पड़ेगा वेद पढ़ रहे हैं, वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं। तो वैदिक साहित्य पढ़ने के लिए 14 साल, इसका मतलब बहुत व्यापक है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके द्वारा, उसी के द्वारा वो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। वो धनुष चलाना, युद्ध विद्या से लेकर खाना पकाना से लेकर चिकित्सा, सब कुछ पढ़ रहे हैं, भगवान, प्रकृति, देवता सब पढ़ रहे हैं, तो मिला हुआ है। लेकिन वो आज की तरह वो अलग अलग डिसिप्लिन में बटा हुआ नहीं है, सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के अलग अलग बटे हुए नहीं है। तो आपको मैं बताना ये चाह रही हूँ एक फैक्ट, कि जब वेद को आपको पढ़ना है, वेद को समझना है, तो आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर सब चीज़ें इकट्ठी करके समझना है। जितना हमने अभी ये देवशास्त्र बोला, जो इन्होंने चेतन और जड़ लाए, वो भी ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जुड़ी हुई है वेद के मुताबिक। हर धर्म दर्शन से जुड़ा हुआ है, दर्शन देवता से जुड़ा हुआ है, देवता समाज से जुड़ा हुआ है, परिवार से जुड़ा हुआ है, परिवार सब आपस में जुड़ा हुआ है। तो उसको एक पूरे चौड़ा ऐसे देखना है जैसे कैमरा देखता है, इसीलिए वो ब्रह्मांड को देखते हैं, पूरे को ऐसे देखते हैं, एक चीज़ को नहीं देखते। अभी आप हिस्ट्री की क्लास में अपने पढ़ते हो तो इतिहास ही पढ़ते हो और तो कुछ नहीं पढ़ते, लेकिन वो सारी मिला के पढ़ते हैं, तो असली जो समझ है वो सब मिला के करने पर होती है, जो कि आपको अभी नहीं होगी, आगे करनी पड़ेगी। ठीक है, हो गया।